हेलो स्टूडेंट, बोर्ड पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, बड़ी समस्या हो जा रही है कि आजकल सर खाली रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। लेकिन बेटा जनरली क्या होता है कि रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है वो बच्चों को समझ में कम आता है, ताकि वो उसका बार बार आप वीडियोस देखें और प्रैक्टिस करें, उसके लिए जरूरी है कि आप रिलेशन एंड फंक्शन को देखें। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इफ एल जो है सेट है किसका, लाइंस का, बहुत सारी लाइन है उनका सेट है इन अ प्लेन के अंदर, और आर जो है रिलेशन इन सेट है, गिवन है कि L1 कॉमा L2 फ्रॉम L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, L2 के ऊपर, दैट इज साइन सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, शो दैट आर इज सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। वही चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट किया था, फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे कि रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है a कॉमा a बिलोंग करना चाहिए r के अंदर, सिमेट्रिक का मतलब क्या, सिमेट्रिक का मतलब होता है a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r के अंदर, इंप्लाइज दैट b कॉमा a भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, r के अंदर बिलोंग करेगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r के अंदर, b कॉमा c बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है सी ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर के अंदर। ये तीन कंडीशन ही रिलेशन से रिलेटेड है। रिलेशन में यदि आप लोग इन तीन कंडीशन को अच्छे से याद करते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको हम लोग ए रिलेशन ए बी बोल सकते हैं, इसको ए रिलेशन बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेशन ए भी हम बोल सकते हैं, ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए सी implies that a relation c होगा, ये इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो सबसे पहली सिचुएशन तो ये आती है कि आपका जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है क्या बताना आपको कि सिमेट्रिक होना चाहिए, बाकी क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक ही पूर्ण करना है, रिफ्लेक्सिव को नॉट बताना है और ट्रांजिटिव को भी नॉट बताना है। ऐसे जब क्वेश्चन को हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ट्रांजिटिव नहीं है, खाली सिमेट्रिक है। कैसे, कोई भी लाइन है, ये लाइन हमने देखी, ये पहले लाइन होगी, क्या लाइन लाइन के ऊपर खुद लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए यदि परपेंडिकुलर चाहिए तो आपको एक और दूसरी लाइन चाहिए। यदि लाइन L1 है और ये लाइन L2 है तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है, एक खुद लाइन खुद के ऊपर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो हमने क्या बता दिया कि सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ गिवन दैट, और रिलेशन दे रखा है L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द इटसेल्फ, ऑब्वियसली बात है कोई भी लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर कभी नहीं होती है। जबकि हम सिमेट्रिक, ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, हो ही सकता है। यदि हम सिमेट्रिक की बात करें तो दो लाइन होगी, एक तो लाइन L1 होगी, एक लाइन L2 होगी, और यदि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यदि L1 परपेंडिकुलर L2 है तो एक रिलेशन हो गया L कॉमा L2 इज इक्वल टू R, जो ये लाइन यदि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो पिछले बात ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो हमने क्या बता दिया, L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू द L1, तो हमने क्या बता दिया L2 कॉमा L1 आल्सो बिलोंग करता है, तो इससे हमने बता दिया R इज सिमेट्रिक हो गया। और सिमेट्रिक के बाद एक और चीज दे रखी है कि ये दोनों के बाद में एक तीसरी लाइन है, कौन सी दे दी, L1 L2 परपेंडिकुलर है और L2 जो है एक अलग से L3 लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो कभी भी बात करो बाय द वे ये लाइन अलग हो गई, दूसरी ये L3 हो गई, ये L1 ये L2 ये L3, L1 परपेंडिकुलर हो गया L2 के ऊपर, L2 परपेंडिकुलर हो गया L3 के ऊपर, तो L3 और L1 एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकते, कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बताएंगे, R इज नॉट ए ट्रांजिटिव। बहुत अच्छे क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं, खाली समझने की जरूरत है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है। ये चीज आपको अच्छे से आती है तो आप कैसा भी क्वेश्चन है उठा के खाली ये तीनों कंडीशन ही होल्ड करेंगे। यदि तीनों कंडीशन होल्ड हो गई तो क्या हो गया, फंक्शन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन आपका कहलाएगा। थैंक यू।